हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ परम्यूटेशंस। हमने अभी तक परम्यूटेशन के पार्ट वन को कवर कर लिया है, जिसमें हमने परम्यूटेशन के बेसिक आइडिया और इंट्यूशन के बारे में जाना कि परम्यूटेशंस कैसे काम करते हैं। आपको अगर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप उसे लेकर कैसे आगे बढ़ोगे। एंड वी ऑल्सो कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ परम्यूटेशन, जो परम्यूटेशंस का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। पार्ट टू में, यानी कि इस वीडियो में, हम रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस को कवर करेंगे और हम परम्यूटेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस जैसे कि फैक्टोरियल्स और पी नोटेशंस के बारे में भी जानेंगे। पार्ट थ्री में हम सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। इन पार्ट वन और पार्ट टू में मैं आपकी थ्योरीज को डेवलप करने की कोशिश करूंगा, और पार्ट थ्री मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के लिए छोड़ रखा है, ताकि आप दोनों से फेमिलियर हो जाएं और आप में कभी भी मैथ्स की थ्योरी का डर ना बना रहे। तो शुरू करते हैं। पार्ट वन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि फर्ज कीजिए कि मैं आपको पांच अलग अलग कलर्स के बॉल देता हूं, तो आप उन पांचों बॉल्स की पोजीशंस को आपस में अदल बदल करके कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आप इन दोनों बॉल्स की पोजीशंस को आपस में बदलो तो आपको एक नया अरेंजमेंट मिलता है, और अगर आप इन दोनों पोजीशंस को बदलो तो भी वापस से आपको एक नया अरेंजमेंट मिलता है। सिर्फ यही नहीं, आप जितनी बार भी किसी भी दो बॉल्स की पोजीशन को अदल बदल करोगे तो आपको कुछ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे कितने यूनिक अरेंजमेंट्स होंगे जो कुल मिलाकर के आपको मिलेंगे। और हमने देखा था कि द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स वाज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, विच वॉज इक्वल टू 120 वेज। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रोडक्ट को हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मैथ्स में फैक्टोरियल के रूप में जाना जाता है। तो सिमिलरली, कि अगर मान लीजिए मैं आपको 7 फैक्टोरियल देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, विच विल बी इक्वल टू 5040। सिमिलरली, n फैक्टोरियल विल बी n × n-1 × n-2, यानी कि आपको कोई भी एक नंबर दिया हो, आपको उसमें उससे एक कम मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 7 के बाद आपने 7-1 6 मल्टीप्लाई किया, फिर 7-2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई किया, ऑल द वे डाउन टू 3 × 2 × 1। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज n × n-1 × n-2 ऑल द वे डाउन टू 3 × 2 × 1। सिमिलरली, अगर मैं आपको 10 फैक्टोरियल दूं तो आप उसे लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × 7 ऑल द वे अप टू 3, 2, 1, बट देर आर ऑल्सो सम शॉर्ट हैंड नोटेशंस। आप 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं, आप इसे जितने मर्जी उतने तरीके से लिख सकते हो, लाइक 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल में 8, 7, 6, 5 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स हैं। या आप 10 फैक्टोरियल को सिंपली 10 × 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 से लेकर के 1 तक 9 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड है। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ए लेवल मैथ। तो दोस्तों, अब मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं और आपको यही 5 बॉल्स दूं, बट आपसे कहूं कि आपको इन 5 बॉल्स को आपस में नहीं बदलना है, आपको बस इनमें से कोई 3 बॉल्स लेके उनकी पोजीशंस को आपस में बदलना है, तो आपके पास कुल मिलाकर के कितने अरेंजमेंट्स होंगे? तो मान लीजिए कि आप शुरुआत के 3 बॉल्स लेते हो और देन आप उन्हें आपस में अरेंज कर देते हो, तो आपको कुछ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। आप फिर कुछ दूसरे 3 बॉल्स लो, आप उनकी पोजीशंस को आपस में अदल बदल करो, तो आपको कुछ और अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आप मन में सोचिए कि मैंने आपको 3 कप्स दिए हैं। ओके, सो 3 कप्स में आप 3 बॉल को डाल के उनको आपस में अदल बदल कर सकते हो। एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ परम्यूटेशन हियर ऑल्सो कम्स टू आवर रेस्क्यू। वो एक लॉ है जो आपको पूरे चैप्टर में हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों, हम इस पहले कप को 5 फेज में भर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 5 बॉल्स। सो मैं या तो ये बॉल डाल सकता हूँ, या ये, या ये, या ये, या ये,
तो इस तरीके से पहले कप को भरने के लिए मेरे पास 5 वेज हैं. एंड व्हेन आई डू इट इन एनी वन ऑफ द वे, रिमेंबर दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज जाकर के मेरा पहला वाला वीडियो अच्छे तरीके से देखिए कि आपको सेकेंड काम में मूव करने के पहले फर्स्ट काम को किसी एक वे में भर देना है. जैसे यहां पर आप पहले कप को 5 वे में भर सकते हो, तो आपको उस कप को किसी एक बॉल से भर देना है. सो लेट्स गो अहेड. मान लीजिए कि मैंने इस येलो बॉल से पहले कप को भर दिया है. देन फॉर द नेक्स्ट कप आई हैव 4 चॉइसेस, बिकॉज मैं इन चारों बॉल्स में से किसी भी बॉल को भर सकता हूं. एंड व्हेन आई डू इट इन एनी वन ऑफ द वे, मान लीजिए कि मैंने इस बॉल से भर दिया, देन फॉर द लास्ट कप आई हैव 3 चॉइसेस. सो इन ऑल आई कैन फिल दीज 3 कप्स आउट ऑफ दोज 5 बॉल्स इन 5×4×3 वेज. दैट इज व्हाट द फंडामेंटल लॉ सेज, कि अगर आप किसी काम को m×n वेज में कर सकते हो, m और n वेज में अगर आप दो काम को कर सकते हो, तो आप एक साथ उन दोनों काम को m×n वेज में कर पाओगे. तो सिमिलरली यहां पर आप 3 काम को 5, 4 और 3 वेज में कर सकते हो, तो आप उन तीनों काम को एक साथ 5×4×3 वेज में कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 60 वेज. ओके, लेट्स टेक अप सम नोटेशंस ओवर हियर. ये जो 5×4×3 है, इसे हम 5P3 कहते हैं. तो दोस्तों 5P3 का मतलब है कि आपको 5 से शुरू करना है और 3 स्टेप्स तक आगे जाना है. ऐसा नहीं है कि 5 से शुरू करके 3 तक आगे जाना है, आपको 5 से शुरू करके 3 स्टेप्स यानी कि 5, 4, 3 तक जाना है. दैट इज वॉट 5P3 इज. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आई गिव यू 7P4, दैट मीन्स आपको 7 से शुरू करके 4 स्टेप्स तक यानी कि 7×6×5×4 तक जाना है. सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ 10P2, यानी कि आपको 10 से शुरू करके 2 स्टेप्स यानी कि 10×9, 90, दैट विल बी योर आंसर. तो आपको ऊपर वाले नंबर से शुरू करना है और टोटल आपको नीचे वाले नंबर्स लिखने हैं. यानी कि अगर आप 7 से शुरू कर रहे हो, 7P4 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड राइटिंग 4 नंबर्स वन बिलो द अदर, 7, 6, 5, 4. 7 से छोटे 6, फिर 5 और फिर 4, आपको 4 नंबर्स लिख देने हैं. सिमिलरली 100P3 विल बी 100×99×98. सो 5P8 क्या होगा? आपको 5 से शुरू करके 8 स्टेप्स तक जाना है, यानी कि 5×4×3×2×1×0×-1×-2. सो दैट विल गिव अस 0, बिकॉज बीच में 0 बैठा है एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर गिव्स यू 0. तो दोस्तों आप ये नोटिस करना कि जब भी ऊपर वाला नंबर यानी कि 5 नीचे वाले नंबर से छोटा होता है, तो हमेशा ही आंसर 0 आएगा, बिकॉज इन दैट केस हम लोग 1 को पार करके आगे बढ़ जाएंगे और 0 तक पहुंच जाएंगे. सो दैट इज वाई NPR इज अनडिफाइंड फॉर ऑल n विच इज लेस देन r. वी डोंट डिफाइन NPR इन सच केसेस. हमारे काम के सिर्फ वही केसेस हैं जहां पर n या तो r के इक्वल हो सकता है या फिर r से बड़ा हो सकता है, बट n कभी r से छोटा नहीं हो सकता. सो NPR वी कीप इट अनडिफाइंड. सो लेट्स टेक अप सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टोरियल्स. NPR इज इक्वल टू n×n-1×n-2 up to r स्टेप्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, 10P3 विल बी 10×9×8, यानी कि 10 से शुरू करके 3 स्टेप्स तक. Similarly, NPR will be starting from n and going down r steps. And this can be written as n factorial divided by n minus r factorial. I'm not going to prove this क्योंकि इसका proof बहुत ही simple है और वो आपको किसी भी standard book में मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पर आपको बस ये formula देके छोड़ना चाहता हूँ. NPR is n factorial by n minus r factorial. मैं आपको सिर्फ guide करूँगा, बाकी की मेहनत आपको खुद से करनी है. Book में सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करना है. So 10P10 is again starting with 10 and going back 10 steps, right? So 10 से शुरू करके 10, 9, 8 से अगर आप 10 steps तक जाओ, so आप 1 तक पहुंच जाओगे. And we have already seen कि इस पूरे product को 10×9×8 all the way to 1 को हम 10 factorial लिखते हैं. In general, अगर आपको NPN दिया हुआ हो, so that will be equal to N factorial. Like 5P5 will be 5 factorial, 7P7 will be 7 factorial and so on and so forth. तो कुछ question लेते हैं दोस्तों. In how many ways you can arrange 5 students in a row given 12 students? ये कुछ हद तक हमारे ball के
के क्वेश्चन की तरह ही है, जहां पर आपको 12 बॉल्स दिए हैं और इनमें से 5 बॉल्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। बस यहां पर हमें बॉल्स की जगह पर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो मुझे 5 स्टूडेंट्स चाहिए, सो आई विल मेक अप 5 ब्लैंक्स ओवर हियर एंड आई हैव 12 स्टूडेंट्स इन ऑल। तो दोस्तों, मैं जो पहला ब्लैंक है उसे 12 वेज में भर सकता हूं, बिकॉज इन 12 स्टूडेंट्स में से मैं किसी भी एक को 12 वेज में सेलेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव 12 ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग एनी स्टूडेंट्स। मैं पहले वाले को या दूसरे वाले को या 12 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, सो आई हैव 12 ऑप्शंस फॉर चूजिंग वन पर्टिकुलर स्टूडेंट आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। सो मान लीजिए कि मैंने ये काम कर दिया, रिमेंबर द फंडामेंटल लॉ, यू हैव टू डू द फर्स्ट वर्क इन एनी वन ऑफ द वेज। ओके, सो जब मैं ये काम कर देता हूं तब दूसरे पोजिशन को भरने के लिए मेरे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, सो आई कैन फिल अप दिस ब्लैंक इन 11 ऑफ द इन 11 वेज, बिकॉज आई कैन टेक अप एनी वन ऑफ द 11 स्टूडेंट्स एंड व्हेन आई फिल इट अप विद एनी वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वाले ब्लैंक के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस हैं एंड ऐसे करते करते लास्ट वाले ब्लैंक के लिए मेरे पास 8 चॉइसेस होंगी और कुल मिलाकर के द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 12 will be 12 times 11 times 10 times 9 times 8 which is nothing but 12P5। तो दोस्तों, ये permutation का notation हमारे लिए questions को बहुत आसान कर देता है। मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको 12 students में से 5 students select करके arrange करने हैं, then the answer is 12P5 और बस आपको 12P5 को expand करना है, which we have already learned in the previous slides। सिमिलरली, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको उनमें से 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, देन द आंसर इज 100P3। तो ये नोटेशन हमारे लिए काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। लेट्स टेक अप फ्यू मोर एग्जांपल्स। 8 चेयर्स आर नंबर्ड 1 to 8। 2 वेमेन एंड 3 मेन विश टू ऑक्यूपाई 1 चेयर ईच। First, the woman chooses the chairs from amongst the chairs numbered 1 to 4 and then men select from the remaining chairs. Find the total number of possible arrangements. तो यहाँ पर सवाल कहता है कि आपको कुल मिलाकर के 8 chairs दिए हुए हैं जिन्हें number किया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 8 तक, और question says कि जो first 4 chairs हैं वो 2 women ही occupy कर सकती है। तो जो 2 वुमेन है वो बाकी के 5, 6, 7, 8 नंबर्स वाले चेयर्स में नहीं बैठेंगी, उनको उन्हीं 4 चेयर्स में बैठना है। तो वो 2 वुमेन इन 4 चेयर्स में जब बैठ जाएंगी, तब बचे हुए किसी भी चेयर में, इसमें जो 2 चेयर्स बचेंगे दैट 2 इंक्लूडेड एज वेल, और 5, 6, 7, 8 वाले चेयर्स में मेन को बैठना है। ओके, सो इन 4 चेयर्स में 2 वुमेन 4P2 वेज में बैठ सकती हैं। एंड वेन दिस इज डन, हमारे पास यहाँ 1, 2, 3, 4 में से 2 चेयर्स बच जाएंगे और 5, 6, 7, 8 वाले 4 चेयर्स बच जाएंगे, सो वी हैव 6 चेयर्स इन ऑल जिनमें हमें 3 आदमियों को बैठाना है, एंड दिस कैन बी डन इन 6P3 वेज। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 6P3 एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑल सच अरेंजमेंट्स, 2 वेमेन को इन 4 चेयर्स में से किसी 2 पर बैठाना और बाकी के 3 आदमियों को बचे हुए 6 चेयर्स में बैठाना, दिस टोटल वर्क कैन बी डन इन 4P2 into 6P3 ways. So 4P2 is 4 into 3 and 6P3 is starting with 6 and going back down to 3 steps. 6 into 5 into 4 which gives us 1440 ways. So the total number of ways of such arrangement is 1440. तो अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे questions consider करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे। अभी तक हमने जितने भी परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वहां हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे, डिफरेंट थे, एक जैसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे। पर अब अगर मान लीजिए कि मैं आपको कुछ यू बॉल्स दूं, जहां पर हमारे पास 2 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं और 1 पर्पल बॉल है, तो अब अगर आपको इन 5 बॉल्स को आपस में अदल बदल करना है तो आपके पास कितने अरेंजमेंट्स होंगे? तो साफ जाहिर है कि अगर मैं इन 2 येलो बॉल्स की पोजीशंस को आपस में अदल बदल करूं तो मुझे कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मैं इन 2 रेड बॉल्स की पोजीशन को आपस में अदल बदल करूं तो भी मुझे कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपको याद है कि हम जब सारे के सारे डिफरेंट बॉल्स सिलेक्ट करते थे
तो द टोटल नंबर ऑफ वेज वॉज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच वॉज 120। तो अब क्योंकि मेरे पास कुछ कम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि दो रेड बॉल्स या दो येलो बॉल्स को आपस में अदल बदल करने में मुझे कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास जो नया नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो 120 से थोड़ा लेस होना चाहिए। सवाल उठता है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जितने भी वेज में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उन रेड्स की अदल बदल पोजीशंस को नया अरेंजमेंट ना मानो और येलो बॉल्स के भी पोजीशंस को बदलने पर नया अरेंजमेंट ना मानो, तो हमारे रिक्वायर्ड जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं मान लीजिए कि वो एक्स हैं। ओके, अब मन में सोचिए कि आप एक बार उन रेड बॉल्स को R1 R2 का नाम दे देते हो और येलो बॉल्स को Y1 Y2 का नाम दे देते हो, और आप उनको अलग अलग बॉल्स कंसिडर करते हो। ओके, तो अगर आप उनको अलग अलग कंसिडर करते हो, देन उनको अलग अलग कंसिडर करने पर द नया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी x × 2 × 2 एंड दैट इज इफेक्टिवली एक्चुअली 5, क्योंकि आपके पास सारे के सारे अलग बॉल्स हैं। सो एक्स कैन बी फाउंड आउट एज 5 × 2 × 2। ओके, तो अगर आपको ये रूल ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो देर इज अ सिंपल रूल ऑफ थंब फॉर यू। मान लीजिए कि आपके पास कुल मिलाकर के एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 5 बॉल्स थे, आपको कुल मिलाकर के एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से N1 एक किस्म के हैं, N2 दूसरे किस्म के हैं। जैसे वहां पर हमारे पास दो रेड थे और दो येलो बॉल्स थे, तो N1 2 था और N2 भी 2 था। तो मान लीजिए कि टोटल N थिंग्स में से N1 है जो एक किस्म के दिखते हैं, N2 है जो अलग किस्म के दिखते हैं, N3 होंगे जो किसी और थर्ड काइंड ऑब्जेक्ट की तरह दिखते होंगे, सब एक जैसे होंगे। ऐसे कर करके NK ऑब्जेक्ट्स हैं, NK और ऑब्जेक्ट हैं आपके पास जो एक जैसे दिखते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज N·(N1·N2·N3·) ऑल द वे टू NK·। एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करता हूँ दोस्तों। तो मान लीजिए मैं आपको ये वर्ड देता हूँ मिसिसिपी, MISSISSIPPI, और मैं कहता हूँ कि आप इनको अलग अलग वेज में अरेंज करो, तो आपको कितने नए वर्ड्स मिलेंगे, मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल डजंट मैटर हियर। सो वट वी सी कि मिसिसिपी में कुल मिलाकर के 11 लेटर्स हैं, दैट मीन्स आवर एन हियर इज 11, जिसमें से आपको 4 S दिखाई दे रहे हैं, 2 P हैं और 4 I हैं। दैट मीन्स N1 = 4, N2 = 2 एंड N3 = 4। ये 4 S एक किस्म के हैं, 2 P दूसरे किस्म के हैं और 4 I तीसरे किस्म के हैं। तो दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी विल बी देन 11·4·2·4। और आप 11 को कुछ ऐसे एक्सपैंड करें, 11 से लेकर 10, 9, 8 up to 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज नीचे हमारे पास 4 है जिन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, देर इज नो शॉर्टकट फॉर इट। आप चाहो तो 4 को एक्सपैंड कर सकते हो 4 × 3 × 2 × 1 और फिर ऊपर वाले नंबर्स के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट आई लीव अप टू यू, एंड यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर एज 3, 4, 6, 5, 0। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड मिसिसिपी। नाउ लेट्स टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। वॉट इज 0? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई लेफ्ट यू विद इनिशियली। सो 0 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सो यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट NPR इज N·(N−R·). तो अगर आप R की जगह N रिप्लेस कर दो, देन वी हैव NPN इज इक्वल टू N·(N−N·). रिमेंबर R कुछ भी हो सकता था, बट N से बड़ा नहीं हो सकता था, N या N से छोटा हो सकता था, सो वी कैन पुट R की जगह N। ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई टू गेट N·(N·0). और दोस्तों मैंने इसी वीडियो में आपको कहा था कि NPN की वैल्यू N·, होती है, तो NPN की जगह मैं N·, लिख सकता हूं और राइट हैंड साइड आई कीप एज इट इज N·(0), एंड देन सम क्रॉसिंग्स 0 को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं और N·को इस तरफ लेके आ सकते हैं,
and we'll be getting 0 factorial as 1. So 0 factorial is equal to 1. तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर रखना चाहूँगा और थर्ड पार्ट में हम और सॉल्व एग्जांपल्स लेंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा थ्योरीज पहले पढ़ें एंड देन गो टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ योर बुक और फिर आप एक्सरसाइजेस को अपने आप करने का ट्राई करें. सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स. बाय बाय.